करेंगे छत्तीसगढ़ से, जहां जेसीसी जे सुप्रीमो अजय जोगी का जाति मामले की जांच कर रही उच्च स्तरीय छानबीन समिति ने अजय जोगी को आदिवासी नहीं माना है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जोगी आदिवासी नहीं है। कमेटी ने अजय जोगी के सभी जाति प्रमाण पत्रों को निरस्त कर दिया है। भूपेश्वर सरकार ने जाति मामले में डीजी सिंह की अध्यक्षता में छानबीन समिति बनाई थी और उधर अजय जोगी ने कहा है कि वो मामले को कोर्ट में चुनौती देंगे। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के अध्यक्ष अमित जोगी ने सुनवाई को नौटंकी तक करार दिया है और नौटंकी बताते हुए कहा है कि सभी कानूनी प्रक्रियाओं की आप न्याय के सिद्धांतों और कोर्ट के दृष्टांतों से विपरीत वेतु का फैसला दिया गया है, जिसे वो उच्च और सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। और इस वक्त हमारे साथ जेसीसी जे सुप्रीमो अमित जोगी जी जुड़ गए हैं। जोगी साहब, बहुत स्वागत है और शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। अमित जोगी जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? लगता है संपर्क नहीं हो पाया है। तो अमित जोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, तकनीकी फॉल्ट की वजह से उनसे हमारी, अमित जोगी जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं, अध्यक्ष हैं जेसीसीजे के। अमित जोगी जी, बहुत स्वागत है और शुक्रिया स्वराज एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। रिएक्शन चाहूंगी सर, जो फैसला आया है। देखिए, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गठित छानबीन समिति ने नहीं बल्कि भूपेश बघेल द्वारा बनाई छीनबीन समिति ने रातों रात श्री अजीत जोगी की 73 साल पुरानी कंवर जनजाति होने के अधिकार को उन्हें बिना सुनवाई का अवसर दिए, बिना ग्राम सभा का प्रस्ताव और उच्च न्यायालय के आदेशों को रिकॉर्ड में लिए आनन फानन रातों रात खारिज कर दिया। इससे स्पष्ट रूप से सिद्ध हो रहा है कि एक पक्षी कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ में कानून का और संविधान का राज नहीं बल्कि श्री भूपेश बघेल का राज चल रहा है और इसीलिए हम इस वेतु के आदेश को उच्च न्यायालय में और सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। और हमें पूरा भरोसा है कि इससे पहले भी डॉक्टर रमन सिंह ने एक बार नहीं, दो बार हमारे जाति प्रमाण पत्र खारिज किए थे। हमें पूरा भरोसा है कि न्यायपालिका हमारे साथ अन्याय नहीं होने देगी। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट भी जाने की बात आप कर रहे हैं। जी, आज आज हम लोग, क्योंकि आदेश की प्रतिलिपि हमको अभी तक नहीं मिली है, ये मीडिया के माध्यम से पता चला है कि ऐसा आदेश पारित हुआ है। हमारे लोग वहाँ अभी मंत्रालय गए हैं, आदेश की प्रतिलिपि जैसे ही मिल जाती है, हमारी पहले से ही एप्लीकेशन रिट याचिका हाईकोर्ट में पेंडिंग है, उसमें हम लगाकर अर्जेंट हियरिंग की दरखास्त करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा, हमें स्टे मिलेगा, और अगर स्टे नहीं मिलता है तो हम सारा का सारा प्रकरण शुक्रवार को जो हमारी एसएलपी पे सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होनी है उसे लेकर दिल्ली जाएंगे। आपने जिस तरह से भी चर्चा कर रहे थे, आपने जिक्र किया कि ये सब कुछ प्री डिसाइडेड है और भूपेश बघेल जिस तरह से वो चाहते थे उस तरह से ही इसका फैसला आया, क्यों आपको ऐसा लग रहा है, क्यों साजिश की बू आपको आ रही है? देखिए, अभी अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस हुआ, अंतर्राष्ट्रीय आदि दिवस में करोड़ों रुपया खर्च करके भूपेश बघेल जी आदिवासियों के साथ नृत्य करते हुए अपनी उन्होंने फोटो खिंचवाई छपवाई, पर दूसरी तरफ जो आदिवासियों के साथ मौत का तांडव हो रहा है उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बखान किया। केवल मन से ये बोला कि आदिवासियों की बनी जाति प्रमाण पत्र छानबीन समिति एक महीने के भीतर हम जो नेता हैं उनकी फर्जी नेतागिरी बंद कर देंगे। और उसके तत्काल बाद डीडी सिंह जो कि समिति के अध्यक्ष हैं उनका बयान आया कि हम मुख्यमंत्री जी के आदेशों का पालन करेंगे। मतलब समिति की कार्रवाई में पूरा का पूरा पॉलिटिकल इंटरफियरेंस किया गया, पूरा का पूरा राजनीतिक हस्तक्षेप किया गया। भूपेश बघेल द्वारा जो चुनिंदा अफसरों को समिति में बैठाया गया, समिति का गठन किया गया और उनसे केवल उन्होंने यही कहा कि ये कोरे कागज में तुमको भेज दे रहा हूँ, नोटशीट भेज दे रहा हूँ, इसमें अपने दस्तखत करके मुझको भेज दो। और उन्होंने और उनके परम मित्र श्री सतीश चंद्र वर्मा ने बैठ कर हमारे विरुद्ध ये आदेश लिखा है, जो आदेश की कॉपी डीडी सिंह के पास नहीं है अभी तक। क्यों बिलासपुर से तो उनकी जो आदेश लिखा गया था कल रात वो उनकी कॉपी पहुंचा नहीं पाए, इससे तो हमें भी कॉपी नहीं मिली है।
तो ये तो पूरी नौटंकी चल रही है और जनता इसको देख रही है क्योंकि ये पब्लिक है, हाँ ये सब जानती है। जी बिल्कुल, वाकई में पब्लिक है, सब जानती है, सही कहा आपने जोगी साहब। लेकिन एक और बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस भी आरोप लगाती है, बीजेपी भी आरोप लगाती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक सबसे ज्यादा आदिवासी बहुल्य प्रदेश है, सबसे ज्यादा लोगों की तादाद वहां पर है, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति है, इसलिए क्योंकि आप लोग भी वोट बैंक की राजनीति के चलते, मतलब ये फर्जी दस्तावेज लगा के आप लोगों ने अपनी जो जाति है वो आदिवासी मतलब इसमें कैटेगरी में, इसको सिद्ध तो करें कि ये फर्जी दस्तावेज है माननीय उच्च न्यायालय ने ये कह दिया है कि हमने सब दस्तावेजों को देखा, इसमें कहीं कोई गलत नहीं पाया गया। और आज कि मैं आदिवासी नहीं हूँ तो मेरी क्या जाति है, ये बोलते हैं मेरी जाति ईसाई है, ईसाई कोई जाति होती है क्या? ईसाई तो धर्म है। और अगर ईसाई होना मतलब मैं अगर ईसाई बन गया तो मैं आदिवासी नहीं हूँ, अगर इस बात को माना जाए तो उत्तर पूर्वी राज्यों को, तो 7 राज्य है, वहाँ एक भी आदिवासी नहीं बचेगा, वहां पे तो छठी अनुसूची तत्काल हटा देनी चाहिए। इस तरह की जो बेतुके तर्क दिए जा रहे हैं ठीक समिति के द्वारा, जो एक मिनट में न्यायालय के समक्ष इनकी धज्जियां उड़ जाएंगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जोगी साहब बातचीत करने के लिए। चलिए बुलेटिन में इतना ही।